भारतीय महिला टीम ने किया करिश्मा, आयरलैंड को चटाई धूल। सेमीफाइनल में पहुंचा भारत तो रो पड़ा पाकिस्तान। भारत की जीत ने काटा पाकिस्तान का घर वापसी का टिकट। टीम इंडिया ने वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कल खेले गए मुकाबले में भारत आयरलैंड को 5 रन से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। जहां एक तरफ भारतीय टीम जश्न मना रही थी, तो वहीं आयरलैंड के साथ पाकिस्तान में भी मातम मनाया जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान आयरलैंड की जीत की दुआ कर रहा था। लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सपने को चकनाचूर कर दिया और अब पाकिस्तान अपना बोरिया बिस्तर समेटकर घर जाने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि भारत ने 4 मैचों में से 3 मैचों में जीत दर्ज की, तो वहीं पाकिस्तान महिला टीम ने 3 मैचों में सिर्फ 1 ही मैच में जीत दर्ज की और अब उसका आखिरी मुकाबला ग्रुप बी की टॉप टीम इंग्लैंड से होना है। इंग्लैंड की टीम अभी तक इस वर्ल्ड कप में 1 भी मुकाबला नहीं हारी है और ग्रुप बी में टॉप पर है और अपनी जगह सेमीफाइनल में पक्की कर चुकी है। क्रिकेट की दुनिया में भारत और पाकिस्तान से बड़ी प्रतिद्वंदी टीमें शायद ही कोई हो। दोनों टीमें आपस में द्विपक्षीय सीरीज तो खेलती नहीं है, लेकिन ICC टूर्नामेंट्स और एशिया कप जैसे टूर्नामेंट्स में आमने सामने होती हैं। इस वक्त साउथ अफ्रीका में खेले जा रहे ICC महिला T20 वर्ल्ड कप में भी ये दोनों टीमें भिड़ी थी। भारत और पाकिस्तान ने अपना पहला ही मैच एक दूसरे के खिलाफ खेला था, जिसमें भारत ने जीत हासिल कर पड़ोसी मुल्क को जख्म दे दिया था। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दे दिया है, या यूं कहें कि एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान टीम का सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना तोड़ दिया। भारतीय टीम ICC महिला T20 वर्ल्ड कप के अपने आखिरी ग्रुप मैच में आयरलैंड के खिलाफ उतरी थी। इस मैच में भारत की सेमीफाइनल की किस्मत दांव पर लगी थी। भारत ने मैच डकवर्थ लुईस नियम के तहत 5 रनों से जीता और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 155 रन बनाए थे। आयरलैंड की टीम 8.2 ओवरों में 2 विकेट खोकर 54 रन ही बना सकी थी। तभी बारिश आ गई और यहां आयरलैंड नियम के हिसाब से भारत से 5 रन पीछे थी। बारिश के कारण फिर मैच नहीं हो सका और भारत के सेमीफाइनल में पहुंचते ही पाकिस्तानी टीम की सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। अब पाकिस्तान मायूस हो गया। उसका सपना क्या था? सपना था T20 वर्ल्ड कप जीतने का, जो टूट गया। अब समझिए कि कैसे पाकिस्तान इस मैच पर टकटकी लगाए बैठा था, क्योंकि भारत और आयरलैंड के मैच पर उसका सपना निर्भर था, जो भारत की जीत के साथ ही टूट गया। ग्रुप 2 से भारत से पहले इंग्लैंड की टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला 19 तारीख में खेला गया था, जिसमें पाकिस्तानी टीम को हार का सामना करना पड़ा। अब अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचना था, तो जरूरी था कि आयरलैंड अपने आखिरी मुकाबले में भारत को हरा दे और फिर पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड के खिलाफ होने वाला मैच अहम हो जाता, और अगर इसमें वो जीत जाती तो सेमीफाइनल की दावेदार बनती। मामला नेट रन रेट पर फंसता, जो पाकिस्तान का भारत के मुकाबले बेहतर था। ऐसे में उसका वर्ल्ड कप जीतने का सपना जिंदा रहता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत ने आयरलैंड को मात देते ही उसके अरमानों पर पानी फेर दिया, क्योंकि इस जीत के बाद भारत के 6 अंक हो गए हैं। इंग्लैंड के पहले से ही 6 अंक हैं। अब अगर पाकिस्तान अपने आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड को हरा भी देता है, तो उसके 4 ही अंक हो पाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान के 3 मैचों में 2 हार 1 जीत के साथ 2 अंक हैं, यानी वो किसी भी सूरत में 6 अंक तक नहीं पहुंच पाएगा और इसीलिए सेमीफाइनल नहीं खेल पाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ मैच उसका इस वर्ल्ड कप का आखिरी मैच साबित होगा। अगर भारत आयरलैंड से हार जाता और पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड को हरा देती, तो भारत और पाकिस्तान दोनों के 4-4 अंक होते और फिर बात नेट रन रेट पर अटक जाती। लेकिन इस सारे ताने बाने ने पाकिस्तानी टीम का सपना तोड़ दिया और उसकी घर वापसी का टिकट काट दिया। तो आप इस पूरी खबर पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।